अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। लर्न कुरान लाइव चैनल की जानिब से हम आपको खुश आमदीद करते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे खड़ी हरकात के बारे में और इसकी मशक भी करेंगे। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खड़ी हरकात भी हरूफ मद्दह की तरह तीन हैं, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश को खड़ी हरकात कहते हैं। खड़ी हरकात हरूफ मद्दह के कायम मुकाम हैं, जिस तरह से आपने पिछले लेसन में हरूफ मद्दह सीखे थे, अलिफ मद्दह, वाव मद्दह और या मद्दह। इनको एक अलिफ के बराबर यानी दो हरकात के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। इसी तरह से आपने खड़ी हरकात को भी एक अलिफ यानी दो हरकात के बराबर खींच कर पढ़ना है। इसलिए खड़ी हरकात को भी हरूफ मद्दह की तरह एक अलिफ यानी दो हरकात के बराबर खींच कर पढ़ें। इस सबक में भी हरूफ करीबुस्सौत यानी मिलती जुलती आवाज़ वाले हरूफ में वाज़ा फ़र्क करें, जैसे ये वाला त बारीक है और ये वाला तो मोटा है, मुस्तालिया है, पूर पढ़ा जाएगा। तो करीबुस्सौत वाला लेसन जिसने नहीं देखा है वो उसमें देख लें। उसी तरतीब के साथ यहाँ पर भी हरूफ आए हैं और लेकिन यहाँ पर खड़ी हरकात के साथ मशक करनी है। चलो शुरू करते हैं, मेरे साथ साथ आप रिपीट करें। त खड़ा ज़बर त, त खड़ी ज़ेर ती, त उल्टा पेश तो, त ती तो, तो खड़ा ज़बर तो, तो खड़ी ज़ेर ती, तो उल्टा पेश तो, तो ती तो, ज़ल खड़ा ज़बर ज़ल खड़ी ज़ेर ज़ी, ज़ल उल्टा पेश ज़ू, ज़ी ज़ू। ये थोड़ा सख्ती के साथ पढ़ा जाएगा। ज खड़ा ज़बर ज खड़ी ज़ेर ज़ी, ज उल्टा पेश ज़ू, ज ज़ी ज़ू, ज खड़ा ज़बर ज खड़ी ज़ेर ज़ी, ज उल्टा पेश ज़ू, ज ज़ी ज़ू। ये वाला हरूफ मुस्तालिया में से है, पुर पढ़ा जाएगा। स खड़ा ज़बर स, स खड़ी ज़ेर सी, स उल्टा पेश सू, स सी सू। सफ़िरिया। सीन खड़ा ज़बर स, सीन खड़ी ज़ेर सी, सीन उल्टा पेश सू, स सी सू। मुस्तालिया स्वाद। स्वाद खड़ा ज़बर स्वाद खड़ी ज़ेर सी, स्वाद उल्टा पेश सू, सी सू। दाल खड़ा ज़बर द, दाल खड़ी ज़ेर दी, दाल उल्टा पेश दू, द दी दू। दाद खड़ा ज़बर दाद खड़ी ज़ेर दी, दाद उल्टा पेश दू, दो दी दू। मुस्तालिया है, पूर पढ़ा जाएगा। उसके बाद पहला काफ जो है वो बारीक है, बारीक पढ़ा जाएगा और दूसरा मुस्तालिया में से है, पूर पढ़ा जाएगा। कैफ खड़ा ज़बर काफ खड़ी ज़ेर की, काफ उल्टा पेश कू, कै की कू। कौफ खड़ा ज़बर का, कौफ खड़ी ज़ेर क़ी, कौफ उल्टा पेश कू, क़ी कू। हा और हा ये नरमी के साथ अदा करता है सांस छोड़ते हुए और ये वस्त हलक से अदा होता है। हा खड़ा ज़बर हा खड़ी ज़ेर ही, हा उल्टा पेश हो, हा ही हो। हा खड़ा ज़बर
ह खड़े जेर हे ह उल्टा पेश हो ह हे हो हमजा खड़ा जबर अ हमजा खड़ा जबर अ हमजा खड़ी जेर ई हमजा उल्टा पेश ऊ अ ई ऊ नरमी के साथ सांस छोड़ते हुए और फिर आयन वस्त हलक से निकलता है आयन खड़ा जबर आयन खड़े जेर ऐ आयन उल्टा पेश ओ ख मुस्तालिया है और गाइन मुस्तालिया है पूर पड़ा जाएगा ख खड़ा जबर ख ख खड़े जेर खे ख उल्टा पेश खो ख खे खो ये इब्तदाई हलक से अदा होता है और गाइन भी इब्तदाई हलक से अदा होता है गाइन खड़ा जबर गाइन खड़ी जेर गई गाइन उल्टा पेश गो गे गो बा खड़ा जबर बा खड़ी जेर बी बा उल्टा पेश बू ब बी बू मीम खड़ा जबर म मीम खड़ी जेर मी मीम उल्टा पेश मू म मी मू एक अलिफ के बराबर सब को खींचना है यानी दो हरकात के बराबर वाओ खड़ा जबर वा वाओ खड़ी जेर वी वा उल्टा पेश वू वा वी ऊ फ खड़ा जबर फ खड़ी जेर फी फ उल्टा पेश फू फ फी फू लाम खड़ा जबर लाम खड़ी जेर ली लाम उल्टा पेश लू ला ली लू नून खड़ा जबर न नून खड़ी जेर नी नून उल्टा पेश नू न नी नू रा खड़ा जबर रा खड़ी जेर री रा उल्टा पेश रू रा री रू ये वाला रॉ भी पूर पड़ा जाएगा ये वाला भी पूर पड़ा जाएगा ये बारीक पड़ा जाएगा खड़ी जेर की वजह से जीम खड़ा जबर ज जीम खड़ी जेर जी जीम उल्टा पे जू ज जी जू शीन खड़ा जबर श शीन खड़ी जेर शी शीन उल्टा पे शू श शी शू या खड़ा जबर या खड़ी जेर ई या उल्टा पेश यू या ई यू तो ये थी खड़ी हरकात और उसकी मशक खड़ा जबर खड़ी जेर और उल्टा पेश खड़ी हरकात भी तीन हैं खड़ा जबर खड़ी जेर और उल्टा पेश इसको खड़ी हरकात कहते हैं इनको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दुआओं में याद रखना टेक केयर खुदा हाफ़िज़